दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सेंचुरियन में जबरदस्त जीत के बाद भारतीय टीम आज सुबह से जोहान्सबर्ग के वॉन्डर्स मैदान में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना दूसरा टेस्ट मुकाबला खेल रही है। आपको बता दें कि पीठ में जकड़न के कारण भारतीय टेस्ट टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं और वहीं इसके बाद टीम की कमान केएल राहुल संभाल रहे हैं और पहले मुकाबले की ही तरह दोनों ओपनर्स ने एक बार फिर से भारतीय टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं दूसरे टेस्ट के पहले सत्र का पूरा हाल, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और केएल राहुल में से बेहतरीन कप्तान कौन है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज दोपहर में जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मुकाबला होने वाला था तब सभी को यही लग रहा था कि भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली आज अपना 99वां टेस्ट मुकाबला खेलेंगे, इसके बाद अगले टेस्ट मुकाबले में अपना 100वां टेस्ट खेलकर एक अलग मुकाम हासिल करेंगे। हालांकि भारतीय टीम विराट कोहली की पीठ में जकड़न के कारण वो इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं और साउथ अफ्रीका के दौरे पर अपना 100 टेस्ट मुकाबला खेलने का सपना भी पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहीं उनके बाहर रहने पर टीम की कमान केएल राहुल के हाथों में है जिन्होंने विराट कोहली की तरह टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। लेकिन दोस्तों वॉन्डर्स का ये मैदान शुरुआत में बल्लेबाजी करने के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन केएल राहुल ने एक बहादुरी भरा फैसला लेते हुए पहले बल्लेबाजी चुनी और मयंक अग्रवाल के साथ खुद ओपनिंग करने आए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले मुकाबले की तरह भारत को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई। आपको बता दें कि पहला ओवर लेकर आए कगिस और रबाड़ा को भारतीय कप्तान केएल राहुल ने बेहद ही रक्षात्मक अंदाज से खेला और इस पूरे ही ओवर में कगिस और रबाड़ा बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए वियान मुल्डर की जगह टीम में शामिल हुए डॉनी ओलिवियर के इस ओवर में मयंक अग्रवाल ने चौथी और छठी गेंद पर 2 चौके लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए और भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवरों में 8 रन तक पहुंचा दिया। वहीं इसके बाद कगिस और रबाड़ा के अगले ओवर में भी मयंक अग्रवाल ने एक बेहतरीन चौका लगाते हुए काफी आक्रामक नजर आए और 3 ओवर के खत्म होने तक ही भारतीय टीम का स्कोर 13 रनों तक पहुंच गया था और एक बार फिर से भारतीय टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की तरफ अग्रसर हो गए, जिसके बाद अगले 3 ओवरों तक इन दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी संभलकर बल्लेबाजी की और 6 ओवरों तक बिना कोई विकेट खोए भारतीय टीम का स्कोर 16 रन तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद कगिस और रबाड़ा के अगले ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर मयंक अग्रवाल ने भारतीय टीम का स्कोर 20 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं आज सुबह से ही मयंक अग्रवाल काफी आक्रामक नजर आ रहे थे, वो किसी भी खराब गेंद को बख्शने के मूड में नहीं थे। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए डॉनी ओलिवियर की 5वीं और 6वीं गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर भारतीय कप्तान केएल राहुल ने भी अपने हाथ खोले और भारतीय टीम का स्कोर 8 ओवर में 28 रन तक पहुंचा दिया। वहीं इसके बाद अगले ओवर में मयंक अग्रवाल ने भी कगिस और रबाड़ा की गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाकर भारतीय टीम का स्कोर 32 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि 10 ओवरों तक 32 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी करके इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को एक बार फिर से एक बेहतरीन साझेदारी दी और एक बड़े स्कोर की एक बेहतरीन नींव रखी। वहीं इसके बाद अगले 3 ओवर तक इन दोनों ने ही बल्लेबाजी को संभाल कर रखा और 13 ओवरों तक भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 36 रन तक पहुंच गया। लेकिन वहीं 15 ओवर लेकर आए मार्को जेनसन की एक आगे की गेंद को कवर ड्राइव लगाने के चक्कर में मयंक अग्रवाल कॉट बिहाइंड आउट होकर पवेलियन चले गए। आपको बता दें कि मार्को जेनसन की ये आउट स्विंग गेंद बेहद शानदार थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए आउट ऑफ फॉर्म चल रहे चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया, मानो कि अभी भी भारतीय टीम 16 ओवर तक 36 रन बनाकर एक बेहतरीन स्थिति में है और भारतीय टीम का मात्र एक ही विकेट गिरा है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम एक बार फिर से एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। दोस्तों इस मुकाबले में विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह हनुमा विहारी को इस मुकाबले में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि हनुमा विहारी ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से ही चोट के कारण भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन विराट कोहली के अनुपस्थिति में उनको एक बार फिर से भारतीय टीम में जगह मिली है और उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय कप्तान की कमी को इस मुकाबले में खाली नहीं जाने देंगे, जिसकी बदौलत भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बेहतरीन स्कोर खड़ा कर पाएगी और दूसरे टेस्ट मुकाबले को भी गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर अपने नाम कर लेगी। लेकिन दोस्तों ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि इस पूरे मुकाबले में केएल राहुल किस तरह से भारतीय टीम की कमान संभालते हैं, क्योंकि इससे पहले वो केवल आईपीएल में ही पंजाब टीम की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन इस बड़े स्तर पर उनकी कप्तानी देखना वाकई एक दिलचस्प बात होगी और आज उनके लिए काफी बड़ा दिन है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम विराट कोहली की अनुपस्थिति में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।